हरियाणा के पानीपत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक ने सरेआम एक युवती को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। वह युवक के बारे में बताया गया है कि छाती में गोली लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल में मौजूद स्थानीय लोगों की माने तो लड़के के पास दो पिस्टल थी और उसने सबके सामने उस लड़की को गोली मारी थी। वही घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश गौतम ने बताया कि अभी तक दोनों के बीच क्या मामला है वो स्पष्ट नहीं है। लड़की फिलहाल ऑब्जर्वेशन में है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। लड़की असॉल्ट केस में अग्रसेन अस्पताल दाखिल है और एक डेड बॉडी भावना चौक पर पड़ी है नौजवान लड़के की। हम तुरंत मौके पहुंचे हैं तो लड़का किशोर नाम का लड़का मालूम हुआ जो मृत अवस्था में वहाँ मिला है। उसके साथ साथ मौका से दो इलिसिट वेपन्स बरामद हुए हैं, एक बैग बरामद हुआ है, बाइक बरामद हुई है। प्रतिनिष्ठा लड़के ने जो है ये ऐसा ज्ञात हुआ है, ऐसा मालूम हुआ है कि लड़के ने पहले लड़की गोली मारी और फिर अपने आप को सुसाइड कर लिया। गोली एकदम सीधी छाती में लगी हुई है, इससे लड़के की मुख्य मौत हो गई। मामला कुछ जैसे लड़की बता रही है कि भी आईटीआई में पढ़ती है, मल्टीमीडिया। देखिए अभी कहना मुनासिब नहीं होगा, अभी पहले हम जांच कर लें, उसके बाद बता लेगा अभी मामला क्या है। लड़की यही खड़े थे, लड़के ने पहले गोली मारी लड़की को, लड़की को गोली मारी जब, फिर लड़के ने अपने आप को मार लिया, खत्म। लड़की भाग गई और डॉक्टर बदन के पास गई, उन्होंने जवाब दे दिया भाई यहाँ बताओ, सिविल हॉस्पिटल में जाओ। वो सिविल हॉस्पिटल लेके चले गए, वो यही हमने देखा। और आप देखिएगा, लड़की को यहाँ गोली लगी है और यहाँ कंधे पे लगी है गोली। कोई हथियार भी था उनके पास? पुलिस वाले को मिला थे, दो पिस्टन है और दोनों नीचे पड़े थे। लड़का जहाँ मरा पड़ा था वहीं दोनों पिस्टन था, पुलिस ने दो पिस्टन थे, पुलिस वालों ने उठाया है मौके पे आके। हम भी यही खड़े थे, सारे खड़े थे, सबने देखा है। लड़की गली नंबर 4-5 छठे नंबर गली में है,